अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह हजरात के सामने बहुत अहम मसले रखने वाला हूँ। तीन बहुत अहम मसले हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आप हजरात अक्सर व बेशतर इन मसाइल को पूछते रहते हैं। तीन अहम मसले हैं, गौर से सुने और इंशाल्लाह अगर आपने गौर से सुन लिए फिर आगे चल के आपको इस तरह के मसाइल में परेशानी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। पहला मसला है, किसी भाई ने सवाल किया था, पूछा था, चोर के पास से अगर हम कोई सामान खरीदना चाहे तो क्या उससे सामान का खरीदना जायज़ है या फिर नाजायज़ है, इसमें शरीयत का क्या हुक्म है। यानी हमने किसी भाई के पास देखा, हमें कोई बाजार में मिला या किसी दुकान पे बैठा हुआ कोई शख्स मिला, उसके पास कोई कीमती चीज़ है और वो हमें बेचना चाहता है और हमें अंदाज़ा ये है कि भाई शायद ये माल इसके पास सही नहीं है, तो क्या मेरा उस आदमी से माल का खरीदना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। इसमें एक बात याद रखें, अगर ये यकीन हो, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इस तरह के आदमी से ख़रीदना जायज़ नहीं है, आज मैं इसको आप हजरात के सामने क्लियर करूँगा, साफ और वाजह करूँगा कि सही मसला क्या है। याद रखें, अगर जिसके पास से हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं अगर उसके ऊपर ये मुकम्मल यकीन हो कि भाई ये शख्स जो माल हमें दे रहा है ये चोरी का है, याद रखें, अगर मुकम्मल यकीन है, हम इस बारे में इल्म है, पता है, हमें किसी ने बता दिया है और यकीन भी आ गया है कि हाँ वाकईतन इसके पास चोरी का माल है, तो दोस्तों इस तरह के माल का खरीदना जायज़ नहीं है। जिस माल के ऊपर मुकम्मल यकीन हो कि भाई ये चोरी का माल है तो ऐसे आदमी से माल खरीदना जायज़ नहीं है। अगर हमने ख़रीद लिया तो उसके असल मालिक तक इस माल को पहुँचाना ज़रूरी है, नहीं तो वापस अगर ले लिया तो इसी को वापस करे और अपनी कीमत वापस ले ले, इससे ये माल बहरहाल आप नहीं खरीद सकते। अगर आपने खरीद लिया लौटाना ज़रूरी है। याद रखें कि अगर आप नहीं लौटाएंगे तो जाहिर है फिर गुनहगार होंगे, कोशिश करें अगर खरीद लिया तो वापस उस माल को लौटा दें। लेकिन अगर ये यकीन है कि भाई चोरी का नहीं है, लोग ऐसे ही कह रहे हैं, फिर बिला कराहत और इसमें कोई शक नहीं कि आप फिर उसको खरीद सकते हैं, जायज़ से हराम है। दूसरा मसला यह है, लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई चोर बाजार से, कुछ बाजार हर शहर के अंदर ऐसे होते हैं जिनको लोग चोर बाजार कहते हैं, तो लोगों का जहन ये होता है कि चोर बाजार से आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते, वहां से सामान खरीदना, कोई चीज लेना ये जायज़ नहीं है, ये अक्सर लोगों का ख्याल है, जबकि ये ख्याल बिल्कुल गलत है। सब बाजार ऐसे नहीं होते, बाज दफा बाजारों का नाम पड़ जाता है या फिर किसी जमाने के अंदर वहां इस तरह की अक्सर वारदात होती रही होंगी, आज भी होती है, लेकिन सब लोग वहां ऐसे नहीं बैठते कि भाई वो चोरी करके आ रहे फिर आगे सप्लाई कर रहे माल दे रहे, ऐसा नहीं है। अगर हाँ, जैसा कि मैंने पहले मसले के अंदर बताया, अगर किसी शख्स के ऊपर ये यकीन हो जाए, मालूम हो जाए कि भाई ये शख्स चोरी का सामान बेचता है तो उससे माल ना खरीदे, उससे कोई सामान ना खरीदे, ये जायज़ नहीं है। और अगर किसी के ऊपर ये यकीन है, नॉर्मल सी चीज़ है, लोग बैठे रहते हैं कि भाई चोरी का नहीं है, तो फिर खरीदने में लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। यानी इससे मालूम हुआ चोर बाजार से भी सामान आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, जबकि ये यकीन हो कि बेचने वाला बिल्कुल सही आदमी है, सही माल बेच रहा है। तीसरा मसला ये है, पूछा था कि अगर किसी के पास कोई कीमती चीज़ हो लेकिन वो आदमी उस कीमती चीज़ को कम पैसों में बेच रहा हो, तो आदमी को एक शुबा होता है कि भाई बेच क्यों रहा है, शक हो जाता है कि भाई हो सकता है ये चोरी का माल हो। तो ये भी तकरीबन वही मसला है जो मैंने शुरू में बताया कि भाई सिर्फ शक की बुनियाद पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये चोरी का सामान है या चोरी का माल है। अगर कोई कम कीमत पर दे रहा है, हो सकता है उसके सामने बहुत सारी वजूहात है, हो सकता है वो चीज़ उसको पसंद ना आ रही, हो सकता हो वो उसके ज़रिए से कुछ कमाना चाहता और उसको अपनी किसी ज़रूरत में पूरा करना चाहता हो, तो शक की बुनियाद पर ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इससे माल नहीं खरीद सकते। अगर यकीन हो जाए, याद रखें इन तीनों मसलों के अंदर ये बात है, अगर ये यकीन हो जाए कि भाई फला चीज़ चोरी की है तो फिर तो नहीं खरीद सकते, और अगर ये यकीन हो जाए, मालूम हो जाए कि भाई चोरी की नहीं है, तो फिर बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीदने में कोई कराहियत नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसकी वजह से गुनाह होगा, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। आप चोर बाजार से भी खरीद सकते हैं,
कम कीमत पर भी खरीद सकते हैं और इसी तरीके से एक ऐसी जगह से भी खरीद सकते हैं जहां सिर्फ शक हो, यकीन ना हो। उम्मीद है इंशाल्लाह हजरात को ये तीनों मसले बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से दीन की बात कहने की सुनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।